हेलो एवरीवन, सीजीपीएससी एबीसीडी में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक की शुरुआत करने वाले हैं, जो कि टॉपिक है छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960। जैसे कि आप सभी को पता है कि छत्तीसगढ़ सहकारी बैंक भर्ती परीक्षा 2023 का अनाउंसमेंट हो गया है और उसका एग्ज़ाम डेट का भी डिक्लेरेशन हो गया है। इसीलिए ये जो टॉपिक है उस एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अकेले 80 में से 25 नंबर जो है केवल इसी टॉपिक से आ रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि इस टॉपिक का क्या इम्पोर्टेंस है। इसलिए मैंने कोशिश किया है कि जो ये टॉपिक है छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, हालांकि इसमें और भी बहुत सारे टॉपिक है, तो इसका मैं वीडियो लेक्चर जो है आपके लिए लेकर आऊँ। वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, इसमें मैं आपको जो वीडियो लेकर आया हूँ वो MCQ फॉर्मेट में है। इस वीडियो के अंदर हम टोटल 10 इम्पोर्टेंट MCQ का इसमें डिस्कशन करेंगे और उससे हम कुछ समझने की भी कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, ज़्यादा लेट ना करते हूँ। अगर इस चैनल में आप नए पहली बार आ रहे हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। एग्ज़ाम आते तक आपको बहुत सारे वीडियो जो है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। हो सकता है थोड़ा लेट हो, लेकिन कोशिश करूँगा अपने तरफ से बहुत सारे वीडियोज़ जो है आपको मिलेगा। कंप्यूटर के वीडियोज़ हमारे चैनल में आपको ऑलरेडी बहुत सारे MCQ फॉर्मेट में मिलेंगे, तो आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके बाद आपको GS के भी मिल जाएंगे, मैथ्स के बहुत सारे टॉपिक से क्वेश्चन वहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। रीजनिंग के भी कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे और इंग्लिश के तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्योंकि अभी तक मैंने इंग्लिश का, कंप्यूटर का, मैथ्स का जितने भी चैप्टर मैंने पढ़ाया है वहाँ से CG व्यापम के एग्जाम में हमेशा 90% क्वेश्चंस वहाँ से मैं देखने को मिलता है। क्वेश्चंस एज इट इज़ नहीं आएंगे, लेकिन जो पैटर्न से मैंने पढ़ाया है क्वेश्चन करा करा के, उसी पैटर्न के क्वेश्चन जो है एग्जाम में आते हैं, ठीक है। चलिए लेट ना करते हुए हम बढ़ते हैं इस छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या। मैंने देखिए यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस हैं मैंने खुद तैयार किया है, कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं किया है। इसलिए मैं खुद से क्योंकि तैयार किया हूँ, इसलिए आपको अच्छा कंटेंट देने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसका PDF अगर आपको चाहिए होगा तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लें। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय का गठन कब किया गया था। देखिए क्योंकि एकदम बहुत पुराना ये क्वेश्चन नहीं है, करंट अफेयर में हालांकि किसी न किसी समय आया था, लेकिन अब जो है ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं क्वेश्चन जो है बेसिक से लेकर हाई लेवल तक ले जाऊंगा, तो ये सब बेसिक क्वेश्चन है, इसीलिए मैं पहले बेसिक क्वेश्चन आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। धीरे धीरे वीडियोज जब और आएंगे तो उसमें अच्छे और भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन है केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय का गठन कब किया गया था। 6 जुलाई 2021, 31 मार्च 2021, 2 अक्टूबर 2021 या फिर 14 अप्रैल 2021। ये जो है 2021 का एक्चुअली एक करंट अफेयर था, परंतु अभी जो ये एग्ज़ाम हो रहा है उसके लिए अब थोड़ा हिस्ट्री बन गया पुराने क्वेश्चन से, लेकिन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। बताइए कि सहकारिता मंत्रालय का गठन कब किया गया था। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 6 जुलाई 2021 को, मतलब 6 जुलाई 2021 को केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय का गठन किया गया था। देखिए एक्चुअली क्या है कि कैबिनेट सचिवालय का जो राजपत्र का अधिसूचना है, ठीक है, वो 6 जुलाई 2021 को जारी किया गया था और उसी में बताया गया था कि केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय का गठन किया गया है। देखिए अगर आपसे पूछ ले कि वर्तमान में केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय का मंत्री कौन है, ठीक है, आई थिंक बहुत सारे लोग को ये पता होगा, ठीक है। क्या बोल रहा हूँ कि केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय जो है उसका वर्तमान में मंत्री कौन है, तो याद रखिएगा अमित शाह, ठीक है। ये हमारे गृह मंत्री भी हैं, याद रखिएगा श्री अमित शाह इसका केंद्रीय मंत्री हैं। अगर आपसे पूछ दे कि राज्य मंत्री कौन है, ठीक है, केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय का जो राज्य मंत्री है वो कौन है, तो याद रखिएगा श्री BL वर्मा, ठीक है, BL वर्मा राज्य मंत्री हैं। और अगर मंत्री बोलेगा केंद्रीय मंत्रिमंडल में इसका मंत्री, तो अमित शाह, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन था। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी बेसिक है, छत्तीसगढ़ राज्य के सहकारी विभाग के वर्तमान में मंत्री कौन है, ठीक है। क्या बोला हूं कि छत्तीसगढ़ राज्य के सहकारी विभाग जो है, ठीक है, जो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट है उसका वर्तमान में मंत्री किसे नियुक्त किया गया है, बताइए। प्रेम साय सी टेकाम, TS सिंहदेव, रविंद्र चौबे या फिर श्री भूपेश बघेल, इसमें से कौन जो है छत्तीसगढ़ राज्य के सहकारी विभाग के मंत्री हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है श्री रविंद्र चौबे, ऑप्शन नंबर सी।
वर्तमान में, ठीक है, वर्तमान में। इससे पहले सरकारी विभाग के जो मंत्री थे वो प्रेम साय सिंह टेकाम थे, याद रखिएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए ये अपेक्स बैंक का एक्चुअली ये भर्ती है, तो अगर आपसे पूछ ले, ये भी आप याद रखिएगा कि जो अपेक्स बैंक है, ठीक है, अपेक्स बैंक, इसका अध्यक्ष कौन है, आपको ये भी पता होना चाहिए इसका अध्यक्ष वर्तमान में कौन है। तो याद रखिएगा श्री बैजनाथ चंद्राकर, ठीक है, श्री बैजनाथ चंद्राकर जो हैं इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं, ठीक है। चलिए तीसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ सहकारिता सोसाइटी अधिनियम 1960 को राष्ट्रपति की अनुमति कब प्राप्त हुई थी। अब यहां से जो क्वेश्चन है आपको छत्तीसगढ़ सहकारिता सोसाइटी अधिनियम 1960 से प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो मैंने क्वेश्चन बहुत अभी बेसिक लिया है लेकिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में यही सब क्वेश्चन पूछ देगा और आपसे छूट जाता है, इसीलिए पहले बेसिक क्वेश्चन को करें, इसके बाद धीरे धीरे मैं क्वेश्चन का लेवल जो है इंक्रीज करता चलूंगा। तो छत्तीसगढ़ सहकारिता सोसाइटी अधिनियम 1960 को राष्ट्रपति की अनुमति कब प्राप्त हुई थी, 12 मई 1960 को, 18 अप्रैल 1960 को, 12 मई 1961 को, या फिर 18 अप्रैल 1961 को, कब, इसका सही आंसर क्या है बताइए। देखिए, अच्छा अगर आपसे पूछ दे कि ये जो छत्तीसगढ़ सहकारिता सोसाइटी अधिनियम 1900, एक्चुअली उस समय तो छत्तीसगढ़ था नहीं, उस समय क्या था, मध्य प्रदेश था, क्योंकि हमारा जो छत्तीसगढ़ है वो मध्य प्रदेश का भाग था। हालांकि जब हमारा नया छत्तीसगढ़ बना तो इस अधिनियम को हूबहू अपना लिया गया, बस यहाँ पे छत्तीसगढ़ लिख दिया गया, ठीक है, शुरुआत में। अब उस समय राष्ट्रपति कौन थे, ठीक है, उस समय राष्ट्रपति जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है, कौन था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उस समय प्रेसिडेंट थे। अब इन्होंने ही इस जो अधिनियम 1960 है इसको अनुमति प्रदान किया था, कब अनुमति प्रदान किया था, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी, 18 अप्रैल 1961 को। 1960 का अधिनियम है तो 1960 मत मार दीजिएगा, क्योंकि जरूरी नहीं है कि 1960 का अधिनियम 1960 में ही वो पारित हो जाए, ठीक है, वो 18 अप्रैल 1961 ईस्वी को जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे उन्होंने इस पर हस्ताक्षर किया और इससे अनुमति प्रदान किया था। एक चीज और याद रखिएगा, 12 मई 1961 जो ऑप्शन नंबर सी ये देख रहे हैं ना, 12 मई 1961 ईस्वी को, इस दिन मध्य प्रदेश, ठीक है, इस दिन मध्य प्रदेश का जो राज्य पत्र है, ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य पत्र में प्रथम बार प्रकाशित किया गया था, ठीक है, याद रखिएगा प्रथम बार प्रकाशित किया गया था। तो जो भी मैं डेट बता रहा हूं इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर डी, और ऑप्शन नंबर सी जो है उसके बारे में भी याद रखिएगा। चलिए चौथा प्रश्न, चौथा प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 में कुल कितने अध्याय और कितने धाराएं हैं, 10 अध्याय 86 धाराएं, 7 अध्याय 96 धाराएं, 11 अध्याय 96 धाराएं, या फिर 11 अध्याय और 86 धाराएं। ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हालांकि क्वेश्चन यहां से पूछ सकता है कि नहीं वो मैं नहीं कह सकता, लेकिन आपके दिमाग में अगर आप छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम पढ़ रहे हैं तो आपके दिमाग में ये पता होना चाहिए, याद होना चाहिए कि कितने अध्याय हैं इस अधिनियम में और कितनी धाराएं हैं, ठीक है। तो इसका याद रखिएगा डायरेक्ट ऑप्शन नंबर सी, इस अधिनियम के अंदर 11 अध्याय और कुल 96 धाराएं हैं जिसमें अलग अलग विषयों पर वर्णन किया गया है अलग अलग अध्यायों के अंदर, ठीक है। चलिए हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं, कितना धाराएं, 96 धाराएं और 11 अध्याय हैं इस अधिनियम के अंतर्गत। चलिए पांचवा प्रश्न, पांचवा प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के अनुसार असुमेलित विकल्प कौन सा है, ठीक है। अभी याद करिए, जस्ट मैंने बताया कि कुल कितने 11 अध्याय थे, ठीक है, और धाराएं कितनी, 96 धाराएं। मैंने ये बताया कि ये सभी 11 अध्याय में अलग अलग विषयों के बारे में वर्णन किया गया है। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको अध्यायों का नाम दिया गया और राइट साइड में उससे संबंधित विषय दिया गया है कि कौन से विषय के बारे में उन अध्यायों में वर्णन किया गया है। तो इसमें हमको असुमेलित विकल्प का चयन करना है। अध्याय 2 रजिस्ट्रीकरण, अध्याय 3 सदस्य उनके अधिकार दायित्व एवं विशेषाधिकार, अध्याय 7 संपरीक्षा जांच निरीक्षण तथा पर्यवेक्षण, अध्याय 9 अपराध एवं शास्तियां। बताइए इसमें से कौन सा विकल्प जो है सही है, जो सुमेलित नहीं है।
तो इसका आंसर जो मैं बता दूं ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अध्याय सात के अंदर सम परीक्षा, जांच निरीक्षण और पर्यवेक्षण का वर्णन नहीं किया गया, ठीक है। ये जो सम परीक्षा, जांच और निरीक्षण पर्यवेक्षण जो है, एक्चुअली में ये अध्याय छः के अंदर इसका वर्णन है, ठीक है। अध्याय छः के अंदर इसका वर्णन है, तो अध्याय सात में क्या वर्णन है हम वो भी जान लेते हैं। बाकी जो है ए बी डी ये सब जो है पूरा सुमेलित है। अध्याय सात में वर्णन है विवाद एवं, लिख देता हूं यहां पे, विवाद एवं माध्यस्थम, ठीक है। विवाद एवं माध्यस्थम का वर्णन जो है अध्याय सात के अंतर्गत किया गया है। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा, तो इसको आप नोट डाउन कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट अध्याय है, क्वेश्चंस यहां से बहुत ज्यादा चांसेस है बनने का, ठीक है। ये आपको इतना याद होना चाहिए। चलिए अब हम छठवां प्रश्न देख लेते हैं कि क्या है। छठवां प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के किस धारा में केंद्रीय सहकारी बैंक तथा रिजर्व बैंक को परिभाषित किया गया है, ठीक है। देखिए जितने भी तरह का आप अधिनियम पढ़ेंगे उनमें से कोई ना कोई ऐसी धारा अवश्य होगा जिसमें उस अधिनियम के अंदर जितने भी टर्म्स आते हैं, जितने भी तरह के शब्द होंगे, पद होंगे, उसका परिभाषा दिया गया होता है। वैसे ही मैं पूछ रहा हूँ, हालांकि इस अधिनियम के अंदर बहुत सारे लगभग सौ से ज़्यादा परिभाषाओं का वर्णन किया गया है, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ केंद्रीय सहकारी बैंक और रिजर्व बैंक को परिभाषित कहा गया है, कौन से धारा में? धारा एक में, धारा दो में, धारा तीन और धारा चार, किस में किया गया है हमको ये बताना है। तो याद रखिएगा इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, धारा दो के अंतर्गत इन सभी शब्दों को परिभाषित किया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए जो अध्याय पहला है, ठीक है, याद रखिएगा, पहला जो अध्याय है, इस पहला अध्याय के अंदर मात्र दो धाराएं हैं, ठीक है, याद रखिएगा, इसमें कितने? मात्र दो धाराएं हैं, पहला धारा और यहां पे लिख देता हूं दूसरा धारा, ठीक है। जो पहला धारा है, ठीक है, एक्चुअली जो पहला अध्याय है इसका शीर्षक क्या है? प्रारंभिक, ऐसे करके आपको दिया हुआ है, क्या है? प्रारंभिक। इस ये अध्याय, ठीक है ना, इस पहले अध्याय का नाम क्या है? प्रारंभिक। इसमें कितनी धाराएं? दो धाराएं, धारा वन और धारा टू। धारा वन जो है इसमें संक्षिप्त नाम, ठीक है, संक्षिप्त नाम, विस्तार, अभी मैं इसके बारे में बता दूंगा, और प्रारंभ, इन तीन चीजों का वर्णन किया गया धारा एक के अंतर्गत, ठीक है। वहीं जो धारा संख्या दो है, ठीक है, धारा दो है, इसमें परिभाषाओं का वर्णन किया गया है, ठीक है, बहुत सारे जो शब्द हैं जिनको परिभाषित किया गया है। तो ये जो मैं लिखा हूँ, सहकारी बैंक, केंद्रीय सहकारी बैंक, रिजर्व बैंक, इसमें विद्यार्थी को, कुटुंब को, फिर ये सारे रजिस्ट्रार क्या होता है, सबका वर्णन जो है, सबका परिभाषा धारा दो के अंतर्गत ही किया गया था, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, याद रहेगा। देखिए यहाँ पे धारा एक के अंतर्गत जो संक्षिप्त नाम है, तो ये जो अधिनियम है, इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम क्या है? छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960, ठीक है, ये उसका संक्षिप्त नाम हो गया। इसका विस्तार कहाँ होगा? तो छत्तीसगढ़ सहकारी अधिनियम की बात हो गई है, तो इसका विस्तार जो है छत्तीसगढ़ के अंदर आपको देखने को मिलेगा। और इसका प्रारंभ कब से होगा? तो जिस दिन लागू हुआ था, मतलब ये इसका अलग अलग चीज मात्र में दिया गया है कि इसको कब जो है प्रारंभ किया गया था, मध्य प्रदेश में कब प्रारंभ किया गया था, छत्तीसगढ़ में कब प्रारंभ हो गया होगा, या कब से उसको प्रारंभ माना जाएगा, ऐसा कुछ है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं एग्जैक्ट डाटा कोशिश करूंगा डेट बताने के कि इसको कब प्रारंभ किया गया था। अगर किसी को पता है कि प्रारंभ किया गया था तो उसको कमेंट जरूर करें कि ये कब प्रारंभ किया गया था, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 को, ठीक है, या फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बना दूंगा, ठीक है। अब देखिए ये पहला अध्याय हो गया, इसी तरह अगर मैं दूसरा अध्याय का थोड़ा सा देख लूँ, जो दूसरा अध्याय है, इस दूसरा अध्याय के अंदर धारा तीन चार पाँच है, ठीक है, याद रखिएगा, धारा संख्या तीन चार पाँच इसके अंदर, धारा अध्याय दो के अंतर्गत है, ठीक है। जो दूसरा अध्याय है इसका नाम जो है रजिस्ट्रीकरण, ठीक है, क्या नाम है? रजिस्ट्रीकरण, जितने तरह का भी रजिस्ट्रेशन होगा इसके अंतर्गत किया गया है, ठीक है। देखिए इसमें जो ये धारा संख्या तीन है, इस धारा संख्या तीन में रजिस्ट्रार और तथा अन्य अधिकारियों के बारे में लिखा गया है, ठीक है, रजिस्ट्रार तथा अन्य अधिकारी, ठीक है,
रजिस्ट्रार तथा अन्य अधिकारियों के बारे में किसमें धारा 3 के अंतर्गत वर्णन किया गया है। वहीं जो ये धारा 4 है, इस धारा 4 के अंतर्गत सोसाइटी जो रजिस्ट्रीकृत की जा सकेंगी उनका वर्णन किया, मतलब कौन कौन सी जो सोसाइटी है, ठीक है, कौन कौन सी ऐसी सोसाइटी है जिनका रजिस्ट्रीकरण किया जा सकता है उसके बारे में धारा 4 के अंतर्गत वर्णन किया गया है। ठीक है, तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट जो धाराएं हैं उसको याद रखिएगा, और बाकी मैं क्वेश्चंस कराते रहूंगा तो बार बार जब आएगा तो आपको वहां से याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 2, ठीक है, किसकी धारा 2 के अनुसार विद्यार्थी से क्या अभिप्राय है, किसे विद्यार्थी से परिभाषित किया गया, क्योंकि मैंने बताया कि जो अध्याय 1 की जो धारा 2 है उसमें सभी तरह के टर्म्स का डेफिनेशन दिया गया, परिभाषा दिया गया है, तो इसमें एक शब्द आया परिविद्यार्थी। विद्यार्थी किसको कहेंगे? पहला, ऐसा व्यक्ति जो शैक्षणिक, व्यवसायिक या फिर प्रशिक्षण संस्था में प्रशिक्षण कर रहा हो। दूसरा, ऐसा व्यक्ति जो विदेशों में पढ़ाई कर रहा हो। तीसरा, ऐसा व्यक्ति जो अपने उच्चतर शिक्षा के लिए बैंक से ऋण लिया हो। या फिर चौथा, उपरोक्त तीनों। इसमें से चारों में से कौन सा विकल्प जो है इसके लिए उचित उत्तर होगा, किसको विद्यार्थी के रूप में परिभाषित किया गया है धारा 2 के अंतर्गत, इसका आंसर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए। ऐसा व्यक्ति जो किसी शैक्षणिक, व्यवसायिक या प्रशिक्षण संस्था में प्रशिक्षण कर रहा हो उसको विद्यार्थी शब्द से परिभाषित किया गया है। ऐसा वो विदेश में पढ़ रहा हो या फिर कहीं भी पढ़ रहा हो, इस चीज़ का वर्णन नहीं किया गया, लेकिन वो शैक्षणिक, व्यवसायिक या फिर प्रशिक्षण संस्था में पढ़ाई कर रहा हो। कोई जरूरी नहीं कि उच्चतर शिक्षा के लिए वो बैंक ऋण लिया हो, ये भी कहीं पे नहीं कहा गया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, कि ऑप्शन नंबर ए में जो दिया गया है, ऐसा व्यक्ति जो किसी शैक्षणिक, व्यवसायिक या प्रशिक्षण संस्था में प्रशिक्षण कर रहा हो उसको विद्यार्थी शब्द की संज्ञा दी गई है। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक आठवां प्रश्न है कि यदि समाधान हो जाता है कि लोक हित में विकास के समुचित कार्यान्वयन के लिए समिति का पुनर्गठन आवश्यक है तो पुनर्गठन की स्कीम को कौन बना सकेगा। देखिए क्वेश्चन यह है, सीधी सी बात है कि अगर हमारा जो राज्य सरकार है या हमारा केंद्र सरकार है, ठीक है, ये राज्य सरकार के कॉन्टेक्स्ट में समझिएगा, कि अगर पता चल जाता है कि भाई कि लोक हित में या फिर लोक हित में विकास के लिए या फिर जितने भी तरह के लोक हित के विकास में जो कार्यक्रम चलाते हैं उसको कार्यान्वयन के लिए, उसको संचालन करने के लिए किसी समिति का पुनर्गठन करना आवश्यक हो गया, तो ये जो पुनर्गठन होगा, पुनर्गठन के लिए जो स्कीम बनाएगा, जो योजना बनाएगा, वो कौन बनाएगा, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्र और राज्य सरकार दोनों, या फिर केंद्रीय मंत्रिमंडल, कौन बनाएगा बताइए। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है, राज्य सरकार, क्योंकि जो ये छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 है वो पूरी तरीके से राज्य सरकार के अंतर्गत है, इसलिए इससे संबंधित जो पुनर्गठन स्कीम बनाया जाएगा वो राज्य सरकार के द्वारा ही बनाया जाएगा। ठीक है, अब राज्य सरकार क्या करेगा, पुनर्गठन करेगा, उसका कार्यान्वयन के लिए तरह तरह के जो भी आवश्यक आदेश होगा उसको जारी करेगा, कौन, राज्य सरकार। ठीक है, चलिए नौवां प्रश्न। नौवां प्रश्न है, देखिए ये क्वेश्चन भी कहीं ना कहीं सहकारिता से जुड़ा हुआ है, इसलिए याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा ठाकुर प्यारे लाल सिंह सम्मान 2022 किसे प्रदान किया गया है। ठीक है, तो आप यहाँ पे मैं 2022 लिखा हूँ, आप 2023 का भी याद करके रखिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है बनाया जा सकता है। क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा ठाकुर प्यारे लाल सिंह सम्मान 2022 किसे प्रदान किया गया है। श्री अशोक अग्रवाल, श्री रामेश्वर वैष्णव, श्री मनु नायक, श्री वैभव शिव पांडे और अमितेश पांडे, किसे दिया गया, किसे प्रदान किया गया था। तो इसका आंसर तो आप सभी को पता होगा ही, ऑप्शन नंबर ए, श्री अशोक अग्रवाल को 2022 का ठाकुर प्यारे लाल सिंह सम्मान से सम्मानित किया गया। आपको तो पता ही होगा कि ठाकुर प्यारे लाल सिंह सम्मान जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो सहकारिता के क्षेत्र में। अब समझ में आ गया कि इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे क्यों इंक्लूड किया है, तो सहकारिता के क्षेत्र में इस सम्मान को दिया जाता है, किसके द्वारा, तो सहकारिता विभाग के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, किसके द्वारा, सहकारिता विभाग के द्वारा दिया जाता है। अच्छा 2022 का, अच्छा बताइए रामेश्वर वैष्णव को कौन सा पुरस्कार दिया गया है, तो रामेश्वर वैष्णव को पंडित सुंदरलाल शर्मा पुरस्कार दिया गया था 2022 का। ठीक है, पंडित सुंदरलाल शर्मा
पुरस्कार किस लिए दिया जाता है पंडित सुंदरलाल शर्मा, तो याद रखिएगा ये आंचलिक साहित्य के लिए दिया जाता है, जो छत्तीसगढ़ी में या फिर हिंदी में जो साहित्य लिखता है उसे आंचलिक साहित्य के रूप में संस्कृति मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। इसके बाद श्री मनु नायक, इनको कौन सा सम्मान दिया गया, तो इनको सिनेमा के क्षेत्र में, ठीक है, सिनेमा के क्षेत्र में किशोर साहू सम्मान दिया गया है। तो यहां से अब ये भी याद हो जाएगा कि किशोर साहू सम्मान किस लिए दिया जाता है, तो सिनेमा के क्षेत्र में श्री मनु नायक को दिया गया। श्री वैभव शिव पांडे और अमितेश पांडे को किस लिए पुरस्कृत किया गया भाई, कौन सा पुरस्कार दिया गया, तो पत्रकारिता के लिए, ठीक है, पत्रकारिता का जो चंदूलाल चंद्राकर, श्री चंदूलाल चंद्राकर ये जो सम्मान होता है, ठीक है, किसके लिए, पत्रकारिता के क्षेत्र में, वो किसे दिया गया, श्री वैभव शिव पांडे और अमितेश पांडे को संयुक्त रूप से दिया गया, ठीक है, संयुक्त रूप से दिया गया। अच्छा, ये किस तरह का, दो तरह का यहाँ होता है ना, एक प्रिंट मीडिया होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया होता है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए दिया गया था इनको, ठीक है, ये सब याद रखिएगा। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन मुझे लगा, और आज तो इंट्रोडक्शन टाइप का वीडियो था, क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन था, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया। चलिए दसवां प्रश्न देखते हैं, आज का हमारा ये दसवां प्रश्न और लास्ट जो प्रश्न है, सहकारिता विभाग संबंधी बजट तथा योजनाओं संबंधी प्रकरण कौन तैयार करता है। अच्छा क्वेश्चन है, सहकारिता विभाग संबंधी जो बजट होता है या जो योजनाओं होते हैं उससे संबंधित प्रकरण को तैयार कौन करता है, सहकारिता मंत्री, सचिव सहकारिता या उप सचिव सहकारिता या फिर अवर सचिव सहकारिता, कौन जो है ये इससे संबंधित प्रकरण को देखता है, बताइए। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, जो सहकारिता सचिव होता है, सेक्रेटरी जो होता है कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट का, ठीक है, उसको ही, मतलब वही जो है सहकारिता विभाग संबंधी जो बजट होता है, जो योजना होता है, उसके प्रकरण को संभालता है। देखिए, जो छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम जो 1960 है, मैंने बताया था कि इसके अंतर्गत जो अध्याय 3 है, याद करिए, जो इस अधिनियम था, अधिनियम 1960 वाला, अभी जो मैंने बताया छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960, इसका जो अगर देखेंगे तो इसका जो अध्याय 3 है उसमें मैंने क्या बताया था कि अध्याय 3 के अंतर्गत सदस्य, उनके अधिकार, दायित्व और विशेषाधिकार का वर्णन किया गया है। क्या चीज का, सदस्य, फिर उनका दायित्व, फिर उनका विशेषाधिकार, ये सब लिख लीजिएगा, उसका वर्णन किया गया है। अब इसी के अंतर्गत बहुत सारे, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये सब अधिकारियों और उनके जो कार्यकारी कार्यकर्ता हैं उन सब का वर्णन किया गया है, लिस्ट दिया गया है कि कौन कौन से जो हैं इसके अधिकारीगण होंगे, ठीक है, अधिकारी और कर्मचारी कौन होंगे। तो सबसे ऊपर जो होगा वो सहकारिता मंत्री होगा, ठीक है, इसको कह लीजिए कि सहकारिता प्रमुख, ठीक है, सहकारिता प्रमुख कौन होगा, वो होगा सहकारिता मंत्री, जो कि रविंद्र चौबे है, अभी मैंने बताया था। फिर उसके जस्ट नीचे आता है सचिव सहकारिता, जो ये सभी तरह का जो बजट हो गया, योजना संबंधी जो प्रकरण होते हैं उनको देखता है, ठीक है। साथ ही साथ अगर विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा से संबंधित जो नीतिगत मामले होते हैं उसको भी सचिव देखता है, ठीक है, सचिव उसको करता है, ठीक है। इसके बाद उप सचिव सहकारिता होता है, फिर अवर सचिव सहकारिता होता है, उसके आगे भी अगर देखा जाए, सीक्वेंस को याद रखिएगा, उसके बाद पांचवें नंबर पे होता है अनुभाग अधिकारी, ठीक है, अनुभाग अधिकारी। इसके बाद छठे नंबर पे आ जाएगा सहायक ग्रेड 1, 2, 3 जो होते हैं, सहायक ग्रेड 1, 2, 3 ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। फिर लास्ट में भृत्य हो गए या फिर जो दफ्तरी हो गए, ये सब आते हैं, यहाँ पे लिखी देता हूँ भृत्य, इसी को हम दफ्तरी कहते हैं। तो ये सब एक ऑर्डर हो गया, इस ऑर्डर को याद रखिएगा कि सहकारिता विभाग जो होता है उसमें किस ऑर्डर में यहाँ पे कर्मचारी और अधिकारी होते हैं। तो ये था आज के वीडियो के अंदर 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बेसिक थे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम थोड़ा और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस को देखेंगे, थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चंस को देखेंगे। क्वेश्चंस के पैटर्न आपको कैसा लगा, क्या क्वेश्चन अच्छा था तो आप ज़रूर वीडियो को लाइक करें, हाँ सब्सक्राइब कर लें अगर आप नए हैं इस चैनल में, तो बाकी सब्जेक्ट का भी आपको वीडियो जो है धीरे धीरे मिलते रहेगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए आप अपना पढ़ाई करते रहें, धन्यवाद।